Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार रजनीकांत सर की मूवी दरबार के बारे में। मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है इंडिया के साथ साथ तमिलनाडु के साथ साथ वर्ल्ड वाइड में भी। मूवी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है बॉक्स ऑफिस से। अगर मूवी के कलेक्शन की बात करूँ, जैसा आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, मूवी ने अपने फर्स्ट 4 डेज में ऑफिशियली 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और ये मूवी के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। सुपरस्टार रजनीकांत सर की यह मूवी मुझे लगता है 200 करोड़ इजीली क्रॉस कर जाएगी और ये मूवी 2020 की पहली सुपरहिट मूवी होने वाली है जो सुपरस्टार रजनीकांत सर की करियर से आने वाली है 2020 में। चलिए आपको कलेक्शन के रिपोर्ट्स के बारे में बता दूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। रिलीज़ किया गया था January 9, 2020 को और इस मूवी को अराउंड 3000 के आसपास स्क्रीन्स मिली थी ऑल ओवर इंडिया में। अगर बात करूँ मूवी के बजट की तो 70 करोड़ के आसपास का बजट बताया जा रहा है। अगर मूवी को हिट होना है तो मूवी को तमिलनाडु में 70 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा ग्रॉस और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 280 से 285 करोड़। चलिए चेन्नई सिटी के कलेक्शन के बारे में बता दूँ, विद 86 लाख ग्रॉस ऑन मंडे सुपरस्टार रजनीकांत दरबार स्टॉर्म पास्ट द 8 करोड़ ग्रॉस मार्क इन चेन्नई सिटी इन जस्ट 5 डेज विद 8.14 करोड़। यानी कि मूवी ने अपने फर्स्ट 5 डेज में बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। मूवी ने अपने 5th डे में 86 लाख का कलेक्शन किया है चेन्नई सिटी में। टोटल कलेक्शन हो चुका है 8 करोड़ 14 लाख। अगर बात करूँ मूवी के तमिलनाडु की तो कहीं ना कहीं 8 करोड़ का मूवी का तमिलनाडु का कलेक्शन रहा है। मूवी का टोटल कलेक्शन 63 करोड़ और अगर बात करूँ मूवी के इंडिया की तो लगभग 84 करोड़ का नेट कलेक्शन कम्प्लीट और वर्ल्ड वाइड में 165 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। और वहीं अगर बात करूँ मूवी के 6th डे की, आप जैसा पता है आज के दिन काफ़ी जगह पर हॉलीडे भी है तो कहीं ना कहीं मूवी का जो आज के दिन का कलेक्शन है वो कल के देर तरह ही रहने वाला है या हो सकता है थोड़ा इंक्रीज़ भी हो जाए। लेकिन अगर मूवी 8 करोड़ से 9 करोड़ के आसपास का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 71 करोड़ का तमिलनाडु में। अगर इंडिया की बात करूँ तो मूवी 92 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी और वर्ल्ड वाइड में 176 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। अब आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप भी सुपरस्टार रजनीकांत सर के फैन हैं और उनकी वीडियोस की मूवीज़ की लेटेस्ट अपडेट जानना पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।